अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम नाज़रीन किराम का बहुत बहुत खैर मकदम है भारत एकता न्यूज़ चैनल में। नाज़रीन किराम, देवबंद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया मौलाना मदनी को टिकट, बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किलें। हाँ नाज़रीन किराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूंगा हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। हाँ दोस्तों, कल MIM पार्टी ने पांचवी उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें पहला नाम है देवबंद से मौलाना मदनी का, और मौलाना मदनी के टिकट होने से अखिलेश यादव की देवबंद सीट पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देवबंद असेंबली हलके से मदनी खानदान के चश्मो चराग मौलाना उमेर मदनी को टिकट देकर एक बड़ा इंतखाबी दाव चला है, जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। पीर के रोज लखनऊ से जारी फहरिस्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने छह उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के भतीजे मौलाना उमेर मदनी को देवबंद से टिकट दिया है, जो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। मौलाना उमेर मदनी जमीयत उलमाए हिंद के साबिक कौमी सदर फिदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पोते और उत्तराखंड के साबिक वजीर मौलाना मसूद मदनी के बेटे हैं, और जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी के सगे भतीजे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने देवबंद में ये टिकट देकर बड़ा दाव चल दिया है। हाँ दोस्तों, कल पांचवी सूची MIM पार्टी ने उम्मीदवारों की जारी की, जिसमें पहला नाम देवबंद से मौलाना उमेर मदनी का है, जो जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के सगे भतीजे हैं, मदनी खानदान के चश्मो चराग हैं, और यहां पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और दूसरा नाम है संभल से मुशीर तरीन का, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत है संभल के। तीसरा नाम है एडवोकेट शकील अशरफी असमोली संभल। चौथा नाम है ललिता कुमारी नगीना बिजनौर। पांचवा नाम है मोहिद्दीन बड़ापुर बिजनौर। छठा नाम है खालिद जमा बाबू खान बिलारी मुरादाबाद। हाँ नाज़रीन किराम, MIM पार्टी ने जो कल पांचवी सूची उम्मीदवारों की जारी की है, उसमें छह नाम है। पहला नाम है मौलाना उमेर मदनी देवबंद, दूसरा नाम है मुशीर तरीन संभल, तीसरा नाम है एडवोकेट शकील अशरफी असमोली संभल, चौथा नाम ललिता कुमारी नगीना बिजनौर, पांचवा नाम मोहिद्दीन बढ़ापुर बिजनौर, छठा नाम है खालिद जमा बाबू खान। हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी ने जो बड़ा दाव चला है और देवबंद सीट पर मौलाना मदनी को टिकट जो दिया है, जहां पर अखिलेश यादव की और दूसरी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, तो आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम।